देश में वृद्धाश्रम में माता पिता ने तरछोड़नारी संख्या वधी छे। जिंदगी भर जेने पेट में पाटा बांधीने मोटा करता मां बाप ने बाळक समझदार थता ज छोड़ी देवाना किस्सा वध्या छे। आवा समये एक कृष्ण श्रवण बनीने मां ने चेतक पर माने त्यारे भ्रमण करावा माटे निकळ्यो छे। मैसूरनो कृष्णकुमार कोर्पोरेटर कंपनीनी नोकरी छोड़ीने स्कूटर पर मां ने भारतना मंदिरोना दर्शन करावी रह्यो छे। छेल्ला 5 वर्षमां माताने 74,000 किलोमीटर स्कूटर यात्रा करावी रह्यो छे। तेनी माता 68 वर्ष सुधी घरकाम ज कर्या हता अने कोई दिवस घरनी बाजूमां आवेला मंदिरमां पण दर्शन कर्या न हता। आ वात सांभळीने कृष्णकुमारने लागी आव्युं अने पिताजीने आपेला स्कूटर साथे छेल्ला 5 वर्षथी માતાના ધર્મસ્થળોના દર્શન કરાવી રહ્યો છે। માતા પણ આ કલયુગમાં દીકરાના સેવાથી ખૂબ જ ખુશ છે અને તેને દરેક એવો પુત્ર મળે તેવી પ્રાર્થના પણ કરી રહ્યા છે। માતા પિતાની સેવા સતયુગમાં શ્રવણની કરી હતી ત્યારે કલયુગમાં માતાને દર્શન મંદિર કરાવવી આ કૃષ્ણએ લોકોને બિરદાવી રહ્યા છે। જે પ્રમાણે એક માતાજીને અલગ અલગ દર્શન કરાવવા મંદિરોના દર્શન કરાવવા માટે કૃષ્ણકુમારજી નીકળ્યા છે। અચ્છા એ બતાઈએ કે કન્સેપ્ટ માં કો યે પૂરા ઘુમાને કા કેસે આપને સોચા? પહેલે MTV વીક્ષકોં કા સભી વીક્ષકોં કો મે ઓર મેરી માતાજી કા તરફ સે નમસ્કાર બધા જનાનો મેરો મારો પ્યાર ભરો નમસ્તે। તમે લોગો કેવ છે? સબ શાંતિ છે? મારો નામ કૃષ્ણકુમાર છે। મારો માતાજીનું નામ શ્રીમતી ચૂડારત્નમ્મા। હું મૈસૂર સે છું। યે માતૃ સેવા સંકલ્પ યાત્રા હૈ। હમ પહેલે એકતા કુટુંબ મેં થે, 10 લોગ કા બડા સંયુક્ત પરિવાર હૈ। ઉસી સમય મેં મેરી માતેશ્વરી સબેરે સે રાત તક પૂરા ઘર કા કામ, રસોઈ પકાના, કપડા ધોના, બર્તન સાફ કરના, જમીન પહોંચના, ઇસી કામો મેં સમય બીત ગઈ। બહાર કા વિહારી નહીં, લાઈફ ગોઈંગ ઓન લાઈક દેટ। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उसी समय में मैं बेंगलोर में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। आफ्टर माई फादर डिमाइज मेरी माताजी को लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी माताजी के साथ प्यार से बात करना, उनका रूटीन चेकअप करना, वार्तालाप करना। उसी समय में एक दिन बातों बात करने के समय में मैं मेरी माताजी को एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवण्णामलाई, तिरुकोयिलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। पास वाले है ना, नज़दीक वाले मंदिर भी। ये सुनकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माता जी, पास वाले अभी तक मंदिर भी नहीं देखा। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंखों दिमाग हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मेरा माता जी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया है ना, वो देखकर मुझको संकट हो गया। उसी समय में मैं संकल्प लिया, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हलेबीड़ एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसा संकल्प किया, उसी समय में मैं प्रतिज्ञा करके ये मातृ सेवा संकल्प किया था। अच्छा अभी जिस प्रकार से आप घूमते हो, ये तो पुराना स्कूटर है, अभी तो हाईटेक स्कूटर भी है, नहीं अलग अलग गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन लोग आपको पूछते रहे कि आप स्कूटर में कैसे चलते हो। और मुझे भी जानना है कि आप एवरीडे कितना चलाते हो गाड़ी? एक दिन में फर्क होता है, क्योंकि रास्ता में हम क्या क्या, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, इसके आधार पर हमारा डिस्टेंस होता है। बट ये स्कूटर 20 साल के पहले मेरी पिताजी ने, मुझको अभी स्वर्गवासी है, उन्होंने पहला गिफ्ट है, इट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। सो इसीलिए मैं ये स्कूटर को खुद मेरा पिताजी मानते हैं। ये स्कूटर को मेरा पिताजी का प्रतिरूप से देखकर इसी स्कूटर में हम, मेरी माताजी को बिठाकर हम इस यात्रा में, दो यात्री नहीं है हम, तीन यात्री है। मेरा पिताजी भी हमेशा हमारा साथ आ रहा है। ये भावना से, ये सोच से मैं अभी तक 74,598 किलोमीटर अभी तक सफर चुका हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। अच्छा अब जब गुजरात में आया तो गुजरात में कहाँ कहाँ घूमने का आपने, यानी दर्शन करवाने का प्लानिंग किया है? मैं अभी राजस्थान माउंट आबू से आया हूँ। माउंट आबू से पहले अंबाजी का मंदिर है, अंबाजी गब्बर हिल है, वो बाद में कैलाश टिकरी है, कुंभेश्वर है, कामाक्षी माता है, हडादा मंदिर है, वो सभी देख के गांधीनगर से वहाँ
हम अहमदाबाद आए हैं, यहाँ भी हम द्वारका सौराष्ट्र जाना है, द्वारका भेट द्वारका वो सोमनाथ पोरबंदर सभी मेरी माता जी को मैं अच्छी तरह से सभी तीर्थ क्षेत्रों का यहाँ का दर्शन मेरी माता जी को कराना है। अभी ये बेटा है ना वो श्रवण बन गया आपके लिए, कितना अच्छा लगता है, कहाँ कहाँ घूमते हो आप हर रोज दर्शन? अभी तो एक मंदिर नहीं पूरा भारत घूम रहे आप, कैसा लगता है? मेरे पति के जमाने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी, बाहर का विहार नहीं था। मेरी पति चल बसने के बाद मुझे एक ही बेटा है, इसलिए वो मुझको अपने साथ ही रख कर अच्छी तरह देख रहा है। जीते रहते समय, जिंदा रहते समय अम्मा जी को सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर मुझे पूरा भारत दिखाया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्र का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है, उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझ कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। एक उत्तम जीवन आदर्श रखकर न्याय मार्ग में, सन्मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है, इसलिए ऐसा बेटे को पाकर मैं बहुत धन्य हो गई। माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस धरती पर, ये धर्मशास्त्र में भी कहा जाता है, इसलिए ये आदर्श को वो ध्यान में रखकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी है, मुझे सब कुछ दिखाया है ना पूरा भारत में, इसलिए मुझे बहुत खुशी है, अच्छा लगा है। हमारे भारत में सभी अच्छा है, भगवान के सृष्टि में सभी बराबर है, इसलिए सभी अच्छा है। मेरे बैठने अब गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती हूँ। ये पीछे का व्हील है ना वो लगा कर बैठती हूँ, दोनों ओर पैर रख कर बैठती हूँ। लंबा या सफ़र किलोमीटर ज़्यादा हो तो दोनों ओर पैर रख कर बैठती हूँ। मुझे मेरा तबीयत के बारे में वो बहुत ख्याल रखता है, काळजी रखता है, मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, उनका भी उसका भी तबीयत बहुत अच्छा है। हम दोनों तबीयत में वो बहुत काळजी केयर ज़्यादा रखते, हम बाहर नहीं खाते, दिन में दो बार ही खाते हैं, कॉफ़ी टी कुछ भी नहीं पीते, इसलिए हमारा पेट बहुत अच्छा है, देखने को बहुत आसान हो गया।